राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के महानगर अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने आज वाराणसी स्थित कैंप कार्यालय पर अपने महानगर के पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की एवं अपने महानगर की टीम को गठित किया। इस बैठक के मुख्य अतिथि राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता रहे। महानगर अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव ने महानगर के उपाध्यक्ष पद पर माता चरण सैनी, महामंत्री पद पर आयुष सोनकर, संगठन मंत्री पद पर रमेश शर्मा एवं मंत्री पद पर आकाश गुप्ता एवं विकास सिंह को मनोनीत किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी प्रदीप गुप्ता द्वारा सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया एवं संस्था के उद्देश्यों के बारे में उन्हें अवगत कराया गया एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बहुत जल्द हम टास्क फोर्स का भी गठन करने जा रहे हैं, जो श्रवण माह में आने वाले कांवड़िए बंधुओं की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से कैंट विधानसभा अध्यक्ष आनंद शर्मा, पवन सिंह, राजेश कुमार पटेल, आकाश पटेल, यश पटेल, सुनील सिंह, अजय प्रसन्ना सहित कई अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी की महानगर कमेटी की बैठक आहूत की गयी है। श्री सुनील श्रीवास्तव जी महानगर जो वाराणसी वाहिनी के महानगर अध्यक्ष हैं उनके द्वारा और आज की बैठक की अध्यक्षता उनके द्वारा की गई और संचालन रमेश शर्मा जी द्वारा जो कैंट विधानसभा के संगठन मंत्री हैं और इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि मैं स्वयं रहा और बैठक में नए पदाधिकारियों को भी महानगर के नए पदाधिकारियों को भी उनका दायित्व सौंपा गया। आकाश गुप्ता जी को और विकास कुमार सिंह जी को, माता चरण सैनी जी को और आयुष सोनकर जी को। आज के बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किस तरह का कार्य करने का आह्वान किया गया है? आज एक बैठक में सबसे पहला हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो कॉमन सिविल कोड लागू होने की बात हो रही है सरकार द्वारा, तो हम लोग इस सवाल पर समर्थन करेंगे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और आने वाले 15 जुलाई 2023 को 80 घाट पर एक हम लोग शिविर का आयोजन इसके समर्थन में करेंगे, हस्ताक्षर अभियान चलवाएंगे। साथ ही एक हम लोग जो है टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं, उसमें हमारे जो वाहिनी के नौजवान वीर हिंदू सैनिक हैं वो शामिल होंगे और उनका एक ड्रेस कोड होगा और वो जो वाहिनी है वो मोटरसाइकिल दस्ते के रूप में चक्रमण करेगी काशी विश्वनाथ जी का जो मंदिर है उसके 2-3 किलोमीटर के रेडियस में और किसी भी कवारी भाई जो हमारे कांवड़ लेकर के भाई आ रहे हैं उनके साथ अगर कोई भी परेशानी होती है भाई बहनों को तो उनको हम लोग तत्कालिक जो है सुविधा मुहैया कराएंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो प्रशासन का भी सहयोग लेंगे, चिकित्सा से लेके भोजन से लेके पानी से लेकर के और चरणबद्ध तरीकों से, क्योंकि इस बार हम लोग का सौभाग्य है सनातनियों का कि 59 दिनों का श्रावण मास लग रहा है करीब 20 वर्षों बाद, तो इसको देखते हुए हम लोग चरणबद्ध तरीकों से जो प्रमुख चौराहा है जहाँ से हमारे कांवड़ लेकर के यात्रा करेंगे भाई बंधु बहन, तो उनकी भी हम लोग सेवा करेंगे, उनको पानी देंगे, उनको भोजन देंगे, उनको नाश्ता देंगे। और साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि जो हमारी हिंदू बालिकाएं हैं उनको आत्म रक्षा के गुण सिखाने के लिए मार्शल आर्ट और योग और इस तरीके की जो योगशालाएं हैं इनका भी शिविर हम लोग लगाएंगे। इसी क्रम में हम लोग जल्द रामनगर, हरमुआ, कैंट इन क्षेत्रों में शिविर का आयोजन करने जा रहे हैं। साथ ही जो हमारे गरीब तबके के आर्थिक रूप से कमजोर तबके के जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके लिए भी एक हम लोग फंड का इंतजाम कर रहे हैं और उनके रोजी रोजगार के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए भी हम करेगा। आज आपको संगठन मंत्री का पद मनोनीत किया गया है संगठन के द्वारा, इस संगठन को आगे बढ़ाने का क्या कैसे दायित्व निभाएंगे और एक सनातनी भी आप हैं और हिंदुओं का यह संगठन भी है जी, तो कैसे? जी हम सबसे पहले हिंदू को जोड़ने का काम करेंगे,
और सबसे पहले हम ये काम करेंगे कि जो हमारे हिंदू भाई हैं जो इधर उधर जा रहे हैं उनको पहले ये बताना है कि हिंदू धर्म का मतलब क्या है। हिंदू धर्म का मतलब है सनातन धर्म। सनातन धर्म का ये मतलब है कि जो सदा चलने वाला हो उसे सनातन धर्म कहते हैं। और हमारा जो हिंदू धर्म है, हमारे हिंदू धर्म के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अम्बेडकर जी को मानते हैं तो हमारे प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं, गौतम बुद्ध को मानते हैं तो वो हमारे प्रभु श्री राम को नहीं मानते हैं। तो हमें सबसे पहले जागरूकता अभियान हिंदू भाई में चलाना है और उनको ये बताना है कि प्रभु श्री राम जो हैं वो भी हमारे अपने हैं, गौतम बुद्ध भी हमारे अपने हैं, अम्बेडकर जी भी हमारे अपने हैं, हमको सबको लेकर के चलना है। गंगा जमुना सरस्वती माता पिता गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, संसार में तीन ही गुरु हैं और उसके बाद भी हम जो है कि अपने में ही बटे हुए हैं। कहीं कोई अम्बेडकर जी को पूछता है तो कोई गौतम बुद्ध जी को पूछता है। तो हमें सबसे पहले ये करना है कि सबको एकत्रित करके सबको ये बताना है कि सबसे पहले हम हिंदू हैं, पहले ये बताना है कि हम हिंदू हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, सौभाग्य का बात है कि हम इनके कार्यालय में आए और हमें ये बोलने का मौका मिला। और हम आगे बहुत मजबूती से ये काम करेंगे कि पहले हिंदू को जगाने का काम करेंगे, उनको बताने का काम करेंगे कि मेरा धर्म और मेरा कर्म क्या है। ये सावन का महीना चल रहा है, कांवरियों का शुरू हो गया है रेला, किस तरह से कांवरियों की सुरक्षा के दृष्टि से कैसे क्या देखेंगे? सबसे बड़ी बात है कि हम लोग उस जगह पर जन्म लिए हैं जहाँ आने के लिए लोग सोचते हैं, जिसे काशी कहते हैं। कब भगवान यहाँ आए थे, साक्षात भगवान यहाँ आए थे, भगवान शंकर यहाँ आए थे। और सारनाथ में एक लक्ष्मी कुंड है, कहा जाता है कि वहाँ भगवान प्रभु श्री राम सावन में एक महीने के लिए यही बनारस में ही रुके थे। और सबसे बड़ी भाग्य और सौभाग्य का बात यह है कि हम लोग बाबा काशी विश्वनाथ के नगरी में रहते हैं और जहाँ देश से विदेश से लोग आते हैं और हमारे काशी में भगवान प्रभु श्री राम का और भगवान बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हैं। संगठन है कांवरियों को हर एक मुसीबत पर, हर एक कार्य पर कार्य करने का काम करेगा, उनको जलपान कराने का काम करेगा। किसी भी तरीके का अगर रास्ते में उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ हो तो हमारा संगठन तन और मन और धन से उनके साथ मिलकर के कार्य करने का काम करेगा।